क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स. नाउ वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. सो 2x मल्टीप्लाई बाय दिस सेकेंड पॉलिनोमियल वी विल राइट डाउन इन अ ब्रैकेट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई ब्रैकेट टर्म्स विद आउटसाइड टर्म, ईच टर्म मल्टीप्लीकेशन. सो इट इज 2x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. ओके, इमीडिएटली मेक अ पेयर ऑफ दीज टू टर्म्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड विच टर्म्स यू हैव टू मल्टीप्लाई. देन माइनस साइन इज देयर, सो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, अगेन मेक अ पेयर. देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x, मेक अ पेयर. नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. हियर नंबर इज अलोन, 2 1s are 2. एक्स नाउ इन अ मल्टीप्लीकेशन इफ द बेस आर सेम वी आर डूइंग एडिशन ऑफ पावर्स. ओके, डू यू रिमेम्बर द इंडाइसेस फॉर्मूलास? व्हेन बेस आर सेम मल्टीप्लीकेशन वी आर एडिंग द पावर्स. सो हियर 1 + 2 वी विल गेट 3. ओके, माइनस 2 2s are 4 and x into x, x square, or you can see here 1 + 1 2, so anyhow you will get here x square. Minus 1 2s are 2 and x remains as it is, so we got here answer 2x³ - 4x² - 2x. Okay students, question number 2, x^5 - 1 मल्टीप्लाई बाय x³ + 2x² + 1. नाउ हियर वी विल ब्रेक वन स्मॉल ब्रैकेट एंड वी विल रिमूव फर्स्ट टर्म फ्रॉम दैट, सो वी विल गेट x^5. नाउ दिस टर्म वी विल मल्टीप्लाई विद अ सेकेंड ब्रैकेट. ओके, सो x³ + 2x² + 1. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द सेम ब्रैकेट विथ अ सेकेंड टर्म, दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय x³ + 2x² + 1. ओके, नाउ यू गॉट द प्रीवियस फॉर्म. नाउ वी विल डू द ईच टर्म मल्टीप्लीकेशन. सो x^5 मल्टीप्लाई बाय x³, मेक अ पेयर. देन हियर प्लस साइन, सो प्लस x^5 मल्टीप्लाई बाय 2x², मेक अ पेयर. देन प्लस साइन, सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x^5, मेक अ पेयर. नाउ माइनस 1, सो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x³, मेक अ पेयर. देन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x², मेक अ पेयर. एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन. बेस सेम, एड द पावर. सो 5 + 3 = 8 प्लस 2 कोएफिशिएंट इज अलोन, सो राइट डाउन 2 एज इट इज. देन एड द पावर्स, 5 + 2 = 7 प्लस 1. वेन वी मल्टीप्लाई एनी टर्म बाय 1 वी गेट द सेम आंसर. सो इट इज x^5 माइनस 1 × x³ (x³) माइनस 1 × 2 (2x² माइनस 1 1s are 1. सो हेन्स वी गॉट आंसर हियर x^8 प्लस 2x^7 प्लस x^5 माइनस x³ माइनस 2x² माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2y + 1 मल्टीप्लाई विथ y² - 2y³ + 3y. इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2. ब्रेक स्मॉलर ब्रैकेट, सो स्मॉलर ब्रैकेट इज फर्स्ट वन, टेक आउट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम दैट.
it is 2y multiply with the second bracket y square minus 2y plus 3y. Then remove the second term, that is plus 1, multiply with the second bracket y square minus 2y cube plus 3y. Okay. Now each term multiplication, that means we have to multiply each term by 2y. So 2y multiply by y square, make a pair, then minus sign. 2y multiply by 2y, make a pair, then plus sign, plus 3y multiply 2y, make a pair, then plus 1 multiply by y square, plus 1 multiply by minus 2y cube. A negative term, hence I put in a bracket, and then last plus 1 multiply by 3y. Okay students, do the multiplication. 2 1s are 2, so 2. Your y power is 1 plus 2 3, because same base. Minus 2 2s are 4, your power is 1, here 1, so 1 plus 1 2. So it is minus 4 by square, plus 3 2s are 6. Okay, sorry, here I forgot to write down power 3. Okay, so it is 3 plus 1 4, so here it will come 4. Okay, sorry students. Then plus 3 2s are 6 y square, plus 1 into y square, y square, plus minus minus 2y cube, plus 1 3s are 3y. Okay, now we will collect the like terms, but we will start from highest degree. So highest degree term is 4y square, that is alone, that we will write down first, 4y raised to 4. Then cube terms, that is plus 2y cube minus 2y cube. Okay, now your plus minus same terms get cancelled. Then plus 6y square plus y square, like terms, so make a pair. And the last one is plus 3y. So now minus 4y square raised to 4 as it is. Now plus plus plus, sign also plus, 6 plus 1 7, so it is 7y square plus 3y. Hence we got answer here, minus 4 y raised to 4 plus 7 y square plus 3 y. Got it students?